नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम सिंह और आज मैं इस इंडियन फ्लैपसिल टर्टल को रिलीज़ करने के लिए लाया हूं। दरअसल कल इसको मेरी सिस्टर ने रेस्क्यू किया था एक सूखे गड्ढे से और आज मैं इस बड़ी सी नदी में इसको रिलीज़ करूंगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं तो इसको लेके अपनी इंडिया में काफ़ी सारा भ्रम बना हुआ है, काफ़ी सारा मिथ बना हुआ है कि अगर हम इसको घर में रखेंगे, घर में पाल के रखेंगे तो हमारे घर में धन की बरसात होगी या फिर हमारा घर धन से भरा रहेगा। तो जहाँ तक मेरा मानना है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा सही होता तो सरकार बिल्कुल अलाउ कर देती इसको अपने घर में रखने के लिए। इसको घर में रखिए, इसकी केयर करिए और अपने घर को धन से भरिए, गरीबी दूर हो जाती भाई। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप मानते हैं इस चीज़ को कि नहीं हाँ ये सही है, तो आप इस जीते जागते जीव को ना रख के तांबे का, पीतल का, पत्थर का कोई भी लेके अपने घर में रखिए और अपने घर को धन से भरिए, धन की प्राप्ति करिए, पर इस जीते जागते जीव को नहीं रखिए। क्योंकि अगर आप इसको घर में रखेंगे, कितना भी इसकी केयर करेंगे, ये बिल्कुल अनकम्फर्टेबल ही रहेगा। इसको जो चाहिए वो आप नहीं दे पाएंगे। ये तालाब में ही सुखी रहेगा और इसको तालाब में ही रहना पसंद है, नदी में ही रहना पसंद है। तो इसको हम उसी के प्राकृतिक आवास में छोड़ेंगे जहाँ पे ये रहना पसंद करता है। हाँ मानता हूँ इसके खाने वाली चीज़ें आप सभी इसको प्रोवाइड कराएंगे, पर वो हिसाब से नहीं रह पाएगा जो इसको चाहिए। ये पसंद करता है तालाब में रहना, नदी में रहना, तो इसको वही सब सही है। बाकी घर में रखेंगे तो ये बिल्कुल इसके लिए अनकम्फर्टेबल ही है। तो आप इसको बिल्कुल घर में नहीं रखिए। आपको तो 1972 एक्ट के बारे में तो पता ही होगा, आप किसी भी जीव जंतु को अपने घर में नहीं रख सकते हैं या उसको पाल नहीं सकते हैं, उसको मार नहीं सकते हैं, उसका शिकार नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से आप इसको घर में नहीं रख सकते हैं। इसी को नहीं, आप किसी भी जीव को घर में पाल नहीं सकते हैं, किसी भी पक्षी को भी पाल नहीं सकते हैं। बहुत लोग होते हैं तोता वोता को पालते हैं, खरगोश को पालते हैं, ये सब बिल्कुल कानूनी तौर पर सही नहीं है, आप ये सब नहीं कर सकते। पर ये भी एक बहुत बड़ा मिथ बना हुआ है कि इसको रखेंगे तो हमारा घर धन से भरा रहेगा। तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। अगर आपको कहीं ये मिल जाता है तो इसको आप इसी के प्राकृतिक आवास में छोड़िए, इसको ना कि घर में रखिए। इसके डाइट के बारे में बात करें तो ये सभी चीज़ें खा लेता है जो इजीली तालाब या नदी में अवेलेबल हो जाती हैं इनके लिए। छोटी छोटी जैसे मछलियाँ हो गई, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हो गए, और सब्जियाँ फल फ्रूट भी खा लेते हैं ये। तो चलिए इसको मैं इस नदी में रिलीज़ करता हूँ और इसको रिलीज़ करने के साथ साथ इस सुंदर नदी का नज़ारा देखिए। तो चलिए हम इसे रिलीज़ करते हैं यहाँ पे। तो अभी वो चला गया है और आपको दिखाता हूँ मैं इस सुंदर सी नदी का नज़ारा।
जिस तरफ मैं खड़ा हूँ उस तरफ मेरा फतेहपुर लगता है और इस नदी के उस पार बांदा। ये जो आप उस पार देख रहे हैं वो सब बांदा ज़िले पे आता है और मेरा ये फतेहपुर है। तो चलिए, अभी तो कछुआ निकल गया अपने प्राकृतिक आवास पे, तो ये देखिए ये काफ़ी सारा रेत है। मेरी बाइक वहाँ पे खड़ी है, दिख नहीं रही, तो चलिए चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।